Assalamu alaikum students, starting with the name of Allah. I hope students, you and your family are safe from COVID-19. Today our fourth online lecture of mathematics. So students, now we start our today online lecture. So take out your books, rough copies and pencils. Now open your book page number 4. Students, हम लोग यूनिट 1 हम लोग स्टार्ट हम लोगों ने किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज 1A हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. इसमें इसके स्टार्टिंग वाले कुछ क्वेश्चन लास्ट लेक्चर्स में आप लोगों ने सीखा है, उसका मेथड सीख लिया है. इसमें मेन हमारे पास जो कंसेप्ट है वो है वैल्यू चार्ट का. वैल्यू चार्ट के थ्रू हम लोग कोई भी वैल्यूज फिगर्स, कोई भी वैल्यूज जितनी बड़ी हो उसको इन फिगर्स और इन वर्ड्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं. हम लोग रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं, जो कि आपको इस यूनिट का सबसे पहला पॉइंट था, जिसको इस यूनिट में आप लोगों ने स्टडी करना था, आप लोगों ने लर्न करना था, उसके बाद लिखना भी अपनी नोट कॉपीज पे. स्टूडेंट्स आपको जस्ट ब्लू मार्कर और ब्लू पॉइंटर आपने यूज़ करना है. कोई भी अदर किसी भी कलर का आपने कोई पेन मार्कर कुछ कोई भी चीज़ कलर यूज़ नहीं करनी. जस्ट आपने नीट एंड क्लीन काम करना है. आप लोगों ने अपने लेफ्ट साइड पे इसके डेट मेंशन करनी है, इसके राइट साइड पे आप लोगों ने डे मेंशन करना है. रफ वर्क आपने कॉलम बनाना है, ठीक है. क्वेश्चन मस्ट आपने नोट डाउन, ऊपर स्टेटमेंट लिखनी है, उसके पार्ट्स बताने हैं कौन सा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट, आई होप आपने अपना सारा काम इसी मेथड से किया होगा. आपने उससे पहले अपनी रफ कॉपी में प्रैक्टिस भी की होगी वैल्यू चार्ट की. आपको जब तक वैल्यू चार्ट नहीं आएगा, आप कोई भी बड़ी से बड़ी फिगर इजली तौर पर नहीं लिख सकते. जब आपको वैल्यू चार्ट की ईजली प्रैक्टिस हो जाएगी, आप ईजली कर सकेंगे उसे, तो आप विदाउट वैल्यू चार्ट भी कोई भी फिगर, कितनी बड़ी भी आपको वैल्यू गिवन हो, आप उसको ईजली राइट और रीड कर सकते हैं. इसका फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पॉइंट देखिए हमारे पास जो था इस यूनिट का, उसका अब हम लोग उसी को भी रीड, उसी के अंडर हम लोग काम करें और एक्सरसाइज 1A सॉल्व कर रहे हैं. 1A में जैसे इसका फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट, ये दोनों हम लोग इसमें आप लोगों को सिखा रहे हैं. आपने इसके अंडर जो टीचर ने बताया उसके मेथड के अकॉर्डिंग आपने काम कर लिया होगा. आज क्यों ना हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहे हैं आपको. कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए वो आपको करवाए नहीं जा रहे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं, आपको उसी के अंडर जो क्वेश्चन आपको वही करवाए जा रहे हैं. अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपके पास बुक में है, पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 8. राइट दी नंबर, सबसे पहले क्वेश्चन फुल अटेंशन के साथ आप रीड करें. राइट दी नंबर इन दी फिगर्स, कि हमें नंबर, हमारे पास ये जो वर्ड्स मौजूद है इसको हमने किस में लिखना है, फिगर में. अब हमें क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन है, इसके पार्ट्स वर्ड्स में. अब हमने इसे फिगर्स में लिखना है, यानी कि 1, 2, 3, 4 इस तरह फिगर्स में लिखना है और गिविंग दी स्पेस करेक्टली. और इसके मिड में जब फिगर्स में लिखते हैं तो स्पेस भी मस्ट हमें उसमें डालनी पड़ती है, तो हम स्पेस भी उसमें देंगे. कैसे हम लोग स्पेस इसमें डालते हैं या देते हैं, ये अब आपको हम लोग रिटर्न फॉर्म में करके बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट. अब आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन मौजूद है. सबसे पहले अपनी पेज रेडी कीजिएगा, डेट डे रफर, ठीक है स्टूडेंट. मैंने जस्ट पेंसिल से, लेट पेंसिल से लिखा है, आप लोगों ने ब्लू मार्कर यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी हुई है. नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट ए मौजूद है, 2,500,000, ठीक है स्टूडेंट. आप पहले इसका वैल्यू चार्ट बनाएं. वैल्यू चार्ट में आप देख सकते हैं इसके हम लोगों ने बनाए यूनिट्स के अंदर 3 कॉलम्स, 1,000 के अंदर 3 कॉलम्स, बिलियन के अंदर भी 3 कॉलम, इसलिए बिलियन के अंदर भी 3 कॉलम्स ही बनते हैं. यहाँ तक आपकी इस एक्सरसाइज में मोस्टली क्वेश्चन बिलियन, जस्ट सिंपल एक सिंगल बिलियन तक जा रहे हैं, इसलिए यहाँ तक हम लोगों ने वैल्यू चार्ट बनाया है. अब वैल्यू चार्ट जब हमने बना लिया, इसके अंदर लिख लिया यूनिट 10,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000, 100,000,000, ठीक है स्टूडेंट. फिर बिलियन, इसमें से 10,000,000,000, 100,000,000,000 हो जाएगा. यहाँ तक बिलियन ही तक हम लोग अपना वैल्यू चार्ट बनाएंगे. अब हम लोग जो वैल्यू हमें वर्ड्स में गिवन है इसको लिखना स्टार्ट करते हैं टेबल में, वैल्यू चार्ट में, ठीक है. 2 बिलियन, इट्स मीन जो 2 आ रहा है वो किसके अंडर आ रहा है, बिलियन के अंडर, सिंपल बिलियन के अंडर. तो हम लोगों ने बिलियन के अंडर 2 लिख लिया. उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि हमारे पास 500,000,
इनके फाइव किसके अंडर आ रहे हैं, 100,000 के अंडर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मिलियन है, इस सब को स्किप कर देना है, फिर 100,000 के अंडर हम लोगों ने क्या लिख लिया, फाइव। यहाँ तक आपको समझ आ गई है, ये बिल्कुल हम लोगों ने कॉलम स्किप कर दिए थे, छोड़ दिए थे। तो बाद में हमने देखा ये ब्लैंक है, तो जहाँ पे ब्लैंक होगा कोई भी फिगर मौजूद नहीं होगी, वहाँ पे हम लोग जीरो जीरो खुद से पुट कर देंगे। आप देखिए जीरो जीरो पुट कर दिए हम लोगों ने। अब जो हमने जीरो पुट किए थे ये इसी ही फिगर के अंदर मौजूद था, लेकिन जस्ट जब हम लोग वर्ड्स में पढ़े तो 2,500,000 हमने पढ़े, लेकिन जब फिगर्स में लिखा है तो जीरो 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 हमने लिखने हैं, मस्ट लिखने हैं, ठीक है। अब आप जब इसे लिखेंगे देखिए 2,000,500,000, बाकी जितने भी रहेंगे वहाँ पे 0,0 पुट कर देंगे। अब जब नेक्स्ट उन्होंने, आप देखिए इसका पार्ट क्या था, गिविंग दी स्पेस करेक्टली। मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग लिखते हैं तो राइट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं और आफ्टर थ्री डिजिट्स के, थ्री नंबर्स के हम लोग स्पेस दे देते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने पहले लेड पेंसिल दी है ताकि आप लोग इजी समझ लें, फिर इसको नीट कर दिया, 000 स्पेस 005 थ्री डिजिट हो गए, फिर स्पेस पे 002, फिर स्पेस पे 2 सिंगल था, इसके साथ और वैल्यूज मौजूद नहीं थी, इसलिए यहाँ तक। और ये लास्ट पॉइंट भी राइट साइड से अगर हम लोग लिखना स्टार्ट करें तो लास्ट में आ जाता है। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट, पहले हमें वर्ड्स में गिवन था, हमने उसे फिगर्स में लिखा है, फिर उसमें स्पेस पुट की है। स्पेस अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, आफ्टर थ्री डिजिट्स के आप लोगों ने पुट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखें, क्वेश्चन 8 के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 9 इसका करना है, जो कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट्स। अब क्वेश्चन जरा आप फुल अटेंशन से देखें, हमने प्लेस बतानी है, जो वैल्यू रिंग्ड हुई है इट्स मीन जिस पे सर्कल हुआ हुआ है। आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे सर्कल है, इनकी वैल्यू प्लेस बतानी है। अब इनकी जब हमने प्लेस वैल्यू बतानी है इट्स मीन हम लोग पहले वैल्यू चार्ट बनाएंगे, उसके अंडर हम लोग वैल्यू पुट्स करें। आप देख सकते हैं हम जब हम लोग वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो राइट साइड से इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 6, 9, 7, 1, 4, 1। अब आप देख सकते हैं कौन सी वैल्यू हमारे पास रिंग में मौजूद थी, वो थी 7। अब जैसे 7 किसके अंडर आ रहा है, 7 आ रहा है हमारे पास 10,000 के अंडर, 10 के आ रहे हैं, इट्स मीन इसको 70 पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास 1,000 के अंडर 9 आ रहा है, यानी कि हमने जस्ट 7 का बताना था ना, तो हम 9 को कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ 7 को लेंगे। 10,000 इट मीन ये 70 होगा, तो 70,000 इसको पढ़ देंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं 70,000 इस तरह से भी लिख के बता दिया आपको, इन फिगर्स में भी आपको विद इन स्पेस हम लोगों ने आपको लिख के बता दिया। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने हैं, आप लोग वैल्यू चार्ट की एक बार प्रैक्टिस कर लें, आप लोगों को अच्छी तरह से आ गया, इंशाल्लाह आप पूरी एक्सरसाइज ये ईजिली कर सकते हैं। पहले प्रैक्टिस मस्ट स्टूडेंट्स आप लोगों ने करनी है, एक दफ़ा मिस्टेक होगी, दूसरी दफ़ा मिस्टेक होगी, तीसरी दफ़ा वो मिस्टेक आप दोबारा नहीं करेंगे। प्रैक्टिस में यही चीज़ होती है, फर्स्ट टू टाइम या थ्री टाइम मिस्टेक हमसे हो जाती है, लेकिन अदरवाइज़ एक लास्ट ऐसी स्टेज आती है जिसमें मिस्टेक बिल्कुल नहीं होता, हमारे क्वेश्चन को रिक्ली तौर पर हम लोग सॉल्व उसे कर लेते हैं। होप स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। टेक केयर स्टूडेंट, अपना भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली मेम्बर्स का भी ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।